इस वक्त बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जिसमें तुर्बत है, पसनी है, जीवनी है, गवादर है, ओड़मारा है और मुख्तलिफ मजीद इलाके मकरान के जो हैं वहाँ पर शटर डाउन हड़ताल है। आवाम सड़कों पर मौजूद है, ख्वातीन हज़ारों की तादाद में सड़कों पर निकली हैं और मुतालबात उनके क्या हैं? मुतालबात ये हैं कि बालाच बलोच नामी एक नौजवान जिसको एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का शिकार करके उसकी लाश को फेंक दिया गया और उसके घर वालों को कहा गया कि एनकाउंटर में मारा गया है, उसको इंसाफ फराहम किया जाए। और कसूर क्या था ज़रा ये आपको बताते हैं। होता इस तरह से है कि 20 नवंबर 2023 को बालाच बलोच के घर में सीटीडी के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकार घुसते हैं, उसको उठाते हैं और इल्ज़ाम ये लगता है कि 5 किलोग्राम 5 किलो बारूदी मवाद इससे बरामद हुआ है। 21 तारीख को अदालत में पेश करते हैं, 10 दिन का जिस्मानी रिमांड वहाँ से हासिल करते हैं, 10 दिन का। और 23 तारीख को ये खबर आती है कि एक एनकाउंटर हुआ है, उस एनकाउंटर में 4 अफराद जो हैं उन्हें कत्ल कर दिया गया है। 24 तारीख को बालाच बलोच की जो फैमिली है उसको बालाच बलोच की लाश रिसीव होती है। बताया ये जाता है कि वो 4 अफराद जिनको एनकाउंटर में मारा गया है उसमें से एक आपका बेटा, आपका भाई भी था। अदालत से रिमांड लेने के बाद अचानक से एनकाउंटर ऐसा, आप देखिए, जादुई किस्म का होता है कि निशानदेही करवाने के लिए सीटीडी के एहलकार पुलिस वाले उनको लेके जाते हैं। वहाँ पर फायरिंग का वाकया पेश आता है। फायरिंग के उस वाकये में किसी पुलिस वाले के ऊपर आँच भी नहीं आती, खराश भी नहीं आती और 4 लोग मर जाते तो हैं। ये जमीन हमारी है, ये देख रहे हैं ना, ये लोग ये हमारे लिए आए हैं, ठीक है ना? ठीक, अच्छी बात है। बिल्कुल ना, जहाँ जहाँ हम आए हैं ना, वहाँ वहाँ से हजारों हजारों लोग आए हैं। अच्छा बीबी, हमारी जमीन अच्छा, हमारे हमारे ऊपर आप लोगों ने अच्छा, की है। अच्छा, बीबी, और किसी ने नहीं की। हम ये चाहते हैं सबसे पहले आप इन लोगों को रिहा करें, इनके FIR खत्म करें, सही है ना? जो लिस्ट आपने बनाई है, जो लोगों को आप अरेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो लोग यहाँ मुजाहरे में आएंगे आप उनको जाकर पकड़ेंगे, सबसे पहले उसको खत्म करें और उसके बाद फिर हम बात करेंगे। ये धरना यही कंटिन्यू रहेगा भाई। बात तो अब आपने बता दिया ना, बंदे हम आपके छोड़, ठीक है, हम आप बंदे छोड़, लेकिन आप ये नहीं, वो हमारा मसला, रोड ब्लॉक किया नहीं, और नहीं आपने, करेंगे ये तो ठीक नहीं है। नहीं नहीं क्यों ये ठीक है? बिल्कुल ठीक। आपने लोगों को गिरफ्तार किया वो ठीक था? कौन से लोग? कौन से लोग? अभी जो आप बोल रहे हैं कि हम मैं लोगों को छोड़ूंगा, आप बोल रहे हैं कौन से लोग? देखे बात, जो बंदा कानून अपने हाथ में लेगा उसके लिए, कौन सा कानून, क्या किया था उन्होंने? 100 दफा 144, किस लिए आप लोगों ने 100 दफा 144 लगाया था? वो तो किस आइन के तहत? इंतजामिया लगा, कौन सा इंतजामिया? इंतजामिया आप बताएं, कौन से आइन के तहत जो है ना, आपने एक लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए दफा 144। मुझे बताएं आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा आप पहले लोगों को रिहा करें, वो हमने अपना लायमल बता दिया, हम कल यहाँ पे जलसा करेंगे। अगर आप तशद्दुद करना चाहती है, इन माओं को मारना चाहते हैं, इससे ज्यादा भीड़ आएगी, इससे ज्यादा लोग आएंगे, ठीक है ना? बस ठीक है, बस किसी को आप पहले लोगों को रिहा करें। हमने किसी पे अभी हाथ उठाया है ना, हम उठा रहे हैं, ये बात नहीं करें, ये बात नहीं करें आप। तो फिर किसने उठाया है? आप DSP जिम्मेदारी आपकी है, लेता हूँ ना जिम्मेदारी। किसने उठाया है? किसने उठाया है? किसने उठाया डॉक्टर? वो बंदा प्रैक्टिकली तौर पर खुद मौजूद है, जाके अपना हाथ दिखाओ, ये दिखाओ। नहीं नहीं, वो ये किसने मारा, किसने किया है? होगा होगा होगा, कैसे किसने किया? ये पुलिस की वर्दी आपके डीजे खान में कौन पहन कर लोगों को?